मेरी मेल कैट का ये खाना है, तो वो खाया था यहाँ पर, मुँह मार रही है इसके अंदर स्मोकी। मेरी बहन और ये भी है यूट्यूब पे है यूट्यूब पे है ये भी। और इतनी गंदी स्मेल आ रही है अंडे की, इस पर पानी भर गया तो हल्का का नज़र आ रही है येलो येलोश, और अब इसको मैं निकालूंगी। ये देखो देखो, ये तैयार हो चुके हमारे गुरु वाले चावल। अस्सलाम वालेकुम ऑल यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप सब ठीक ठाक हो गए। तो जी देख रहे हो जी, आप मैंने घी लगा लिया था रोटी को, ठीक है, रात की थी रोटी आई हुई थी रात को, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो बस मैंने कहा क्यों ना ये खाई जाए सुबह नाश्ते के साथ, या तो फ्राई अंडा बना सकता है बंदा आमलेट बना लेता है, तो मैंने आमलेट बना लिया है, और बस अभी चाय भी रखी हुई है, और बाकी ये आपको अभी खाना भी बनाना है। और ये मुझसे फ्रिज में थी, तो ये ना फ्रिज में रहने की वजह से ना ये मैंने इसको जैसे ही पकड़ा टूट गई साइड से। चलो खैर खानी हमने, कौन सा हमने इसको फ्रेम करवाना है, मैं प्लेट ले लेती हूँ। ये देखिए, और ये काम कौन कौन करता है ज़रा मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा। रात की रोटी हो वो आप फ्राई करके सुबह नाश्ते में खाएं, या तो सालन के साथ भी बास लोग खाते हैं, बास लोग होता है कि नाश्ता सुबह मतलब कि वो नहीं करते जैसे आमलेट होता है पराठे, या फिर बास लोग होता है कि पराठों के साथ भी खा लेते हैं, ठीक है, सालन रात का जो हो आलू गोश हो या पालक आलू पालक हो साग हो जो भी है लोग मतलब के खा लेते हैं पराठों के साथ सुबह, खास तौर पर गाँव वगैरह में भी होता है ऐसा। और अभी भी कुछ कुछ हैं जो लोग जो कि मतलब कि जो खाते हैं, ठीक है, कोई भी रात का सालन हो तो उसके साथ खाते हैं, वैसे बहुत कम लोग हैं जो सुबह नाश्ता मतलब कि ये आमलेट हो गया या ये खाएं, तो बस मैं इसको करती हूँ गीला फिर से रोटी को। आ चुकी है बीबी रानी, इसको मैं कब से बुला रही बेटे आज आज रेडी हो रही थी, रेडी हो रही थी। और आपको इसका मैं अभी ज़रा हेयर स्टाइल भी बताती हूँ, कहती मैं हेयर स्टाइल बना रही थी अपना। मज़े टच आए डालू, मैं इस बारे वाले में और डाल देती हूँ, अम्मा में डाल दो ना थोड़ी सी और, क्योंकि पता था मम्मा ने सुबह चाय जो है भर के भी नहीं होती। देखिए जी ये स्टाइल बनाया है, झुकियाँ बनाई है इसने, देखिए इतनी मेहनत। और ये जी है मेरी बहन, और ये भी है यूट्यूब पे है यूट्यूब पे है ये भी। और कैसे लग रही हूँ, ठीक है, ये भी YouTube पे है, तो आप लोग इसको लाइक भी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियोस को इसकी लाइक भी कीजिएगा, और अच्छे से कमेंट्स भी दे दिएगा। अपना नाम बता दो YouTube का क्या है, मरियम स्वर, डिस्क्रिप्शन में दे देना ना मेरा लिंक, मरियम स्वर हाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँ। उठते ही मम्मा ने एज यूजुअल अपने हाथ में जी खाका पकड़ लिया, और पता नहीं क्या देख, क्या देख रही है मम्मा आप, कुछ नहीं देख रही, आगे आ जाओ जी, मैसेज खाते हैं हरी मुझे बोला आपने बनाया मज़ेदार, साथ ही चाय हमारी। आ चुकी हूँ किचन में, अभी मैंने किचन वगैरह भी साफ करना, क्योंकि मेरा गंदा शंदा हुआ है किचन भी, और आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। ये बनाया है जी भुजिया बनाई है, ठीक है, कद्दू की भुजिया, तो ये बहुत मज़े की बनती है भुजिया। अब इसका बस पानी खुशक होगा, और बाद इसमें मैंने मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाला, इसमें मैंने सिर्फ घी डाला है, ठीक है, और इसमें मैंने अनियन ब्रिक विट काट के डाली, जिस तरह से हम ब्रिक विट काटते हैं आमलेट वगैरह में, तो बस वो डाले काट के। और अनियन को आपने इतना ब्राउन नहीं करना, आपने सिर्फ हल्का का पिंकिश रखना है, ठीक है, वो हो जाए। इसमें लहसुन का पेस्ट डाला, मैंने जीरा डाला, और साथ में गोल मैंने मिर्ची डालनी है, ठीक है, आप चाहो तो गोल वाली भी मिर्ची डाल सकते हो, या आप हो तो घर पर मिर्च भी जो पिसी होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। पर और इसके साथ मैंने नमक डाला, और साथ में आपने हरी मिर्ची काट के डालोगे, एंड में आपने हरी मिर्ची डालनी थी, और एंड में आपने या तो अगर आमचूर का पाउडर है वह या तो आप वो डाल सकते हो, ठीक है, आमचूर का पाउडर, और आपको वैसे भी किसी फंसारी शॉप से भी मिल जाएगी इजीली, नहीं तो आप फिर इसमें आप इमली लेके इसको पानी में थोड़ा सा भिगो दो, ठीक है, और इसकी गुठलियों को इसको ऐसे से मैश कर लो हाथों से, ठीक है, तो जो इसका जो गुठली के ऊपर जो गुद्दा छुटा है वो निकल जाएगा, तो बस आपने वो डालना है इसमें, गुठलियाँ आपने इसमें निकाल लेनी, ठीक है, गुठलियाँ आपने नहीं डालनी बीच में, तो बस। और ये इतना मज़े का बनता है, और ये हल्का हल्का खट्टा खट्टा होता है, क्योंकि आप इसमें एक तो या तो आमचूर डालते हो या आप इसमें डालते हो इमली का पल्चो होता है, बस
इसको रोट के खाया जाता है, बहुत मज़े का बनता है इसे। अभी मेरे बर्तन में धोने में पानी रखा गर्म होने के लिए, ताकि क्योंकि इसमें ना चिकनाई बहुत थी, तो बस वो उसको गर्म पानी से धोऊंगी, क्योंकि अभी वैसे भी ना कोई गीज़र वगैरह भी ऑन नहीं किया, क्योंकि मौसम अभी इतना वो हुआ नहीं है। तो बस अभी किचन साफ़ करना, और अभी बारिश भी हुई है हमारी अच्छी खासी। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें बारिश हुई हमारे, और ये देखिए ये भी चीज़ के लिए हुई हमारी, यहाँ पे भी बारिश हुई अच्छी खासी हमारे। अच्छा मौसम हो गया, इधर ठंडा ठंडा लग रहा है अभी भी। और ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने अच्छे फूल हमारे खिल चुके हैं, और ये देखिए ये भी देखें सारे। इतने मज़े का बना है ना मामा, है ना मज़े का बनाया कि नहीं, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं थी, तो बस मम्मा ही खा रही हैं। एक रोटी मम्मा के लिए बना दी थी, मगर मम्मा को फिर भी ये रोटी जो है भरी लग रही, कह रही कि इतनी बुरी तुमने रोटी बना दी, मुझसे नहीं खाई जाएगी ये, आधी तुम खा लो, मैंने कहा नहीं खाना। देखो कितने और बस खाना वगैरह खाएंगे अब, बस हम लोगों ने पढ़ ली है, और ये कोई दिखावा नहीं है कि आप लोगों को भी मैं भरूँ, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है, ये मामला भी मेरा है, मेरे अल्लाह का है, तो अल्लाह को पता है, और वो अच्छा बेहतर जानता है कि नमाज़ मेरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। और ये कोई दिखावा नहीं है कि भी दिखावे के लिए मैं आप लोगों को दिखा रही कि जी मैंने नमाज़ पढ़ ली है, तो वो और जी बस मैं अपने आई जी सर, ठीक है। तो ये जो आपको कारपेट नज़र आ रही है, मैंने वॉश करना धोना है मैंने जी इसको जी, मैं अभी साफ़ करूँगी धोऊँगी, क्योंकि मेरी बहन ने कल रात को उसमें अंडा कराद किया था, वो बस क्योंकि फिर ज़ार से बस फिर स्मेल स्मेल सी हो जाती है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको धो लिया जाए, और पानी भी माशाल्लाह से भी ऐसा आ रहा है ना कि बस अल्लाह हाफिज़ जी पानी का भी। इसको अच्छे से बिल्कुल गीला कर लेते हैं, क्योंकि इस साइड पे हुआ ज़्यादा, इतनी गंदी स्मेल आ रही है अब अंडे की, इसमें पानी भर गया तो इतनी गंदी स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है वॉमिट आ रही है मुझे। तो इसको मैं अच्छे से मेरा साफ कर लेती हूँ, ताकि फिर इसके ऊपर मैं सिर्फ डालूँगी, सिर्फ डालती बल्कि इसको मैं ज़रा ना कुछ देर के लिए ज़रा छोड़ दूँगी इधर है, तो बताओ जैसे जैसे पानी इसमें हो रहा है, और इसको मैंने साफ़ किया झाड़ू से, तो जी इसको मैंने सर्फ लगा दिया है, इसको ऐसे हल्का हल्का अच्छे से ज़रा मैंने इसको मल दिया है, इसको मैंने ना अच्छे से मैंने कर इसको ऐसे ऐसे कर दिया है, आपस में इसको मैंने मला दिया ज़रा, ठीक है। अब इसको मैं इसको ऐसे रहने दूँगी, इस साइड पर जो ज़्यादा है ना यहाँ पर गिरा था अंडा अंडा, तो मेरी बहन से इतने काम सीधे नहीं होते थे, भी गिरा इससे अंडा है, और मुझे धोना पड़ेगा, कहती धो दो तुम बहन खुद तो चले ऑफिस, मुझे दे दीजिए करने के लिए, इसमें अंडा ये फेंके और मैं धोने पे बैठूँ, हाँ धो गई है। बस आप इसको हम इधर छोड़ देते हैं, इसको थोड़ी देर के, ताकि इसमें जो अंडा वगैरह जो स्मेल है वो भी निकल जाएगी, और बस फिर इसको मैं वॉश करूँगी। और जी सफाई हो गई, इसका साफ़ कर दिया मैंने, आपको नज़र भी आ रहा है कारपेट साफ़ हो गया, और इसको झाड़ू को हम लोग साइड पर रख देते हैं, और बस सर्फ सर्फ देखो हो गया सारा पानी पानी होगा, खैर क्योंकि धोना भी तो लाजमी था ना, अब हमने इसको ज़रा कर लेते हैं साफ एक दफ़ा फिर से, इसमें जो हल्का बहुत जो सर्फ होगा ना वो भी ज़रा निकल जाएगा। चलो ठीक तो हो गया, और मम्मा कहती बेटी पुजो को पानी भी साथ में दे दूँ, तो मैंने कहा क्यों मम्मा, कहती तुमने पाइप खोला तो पानी हल्का हल्का दिया था, मैंने कहा अच्छा दे देती हूँ। देखो जी और अजानें भी शुरू हो चुकी हैं, अजान नमाज भी पढ़नी है, अब मैं बस ज़रा पानी दे दूँ पौधों को, थोड़ी सी ज़रा नहा लूँ, साफ़ सुथरी हो दूँ, शावर वावर ले लूँ मैं, तो गर्मी से ना एक पसीना वगैरह बहुत आ गया है।
और साथ में कपड़े भी इधर गंदे मंदे हो गए थोड़े पास। हल्के का पानी दे देते उसको हम सबको। और ये चेक करो ये समोसा, वह भी ऐसा मज़ेदार चीज़ वाला भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो चीज़, चेक करो ये चीज़ मज़ेदार। ये देखो बहुत ही यम्मी मज़ेदार है, स्पाइसी। इसके काम चेक करो खैर से, मेरी मेल कैट का ये खाना है तो खैर से यहाँ पे मुंह मार रही है इसके अंदर। मोकी ये क्या कर रही हो, पिट्टे भी नहीं करते ऐसे, बुरी बात होती है। ये देखो फिर से बेटे तू कितने पास करते हैं। हाँ देखो बीच में घुसाए हुए थे वो जान बन जाए तू गंदी बच्ची। और ये देखो जी यार, ये है गुर को हमने ना मेल्ट कर लिया था, ठीक है। और ये चावल है, सेला चावल है और हमारे ये बॉयल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बस इसको मैं निकालती हूँ। और अच्छा मैंने चावल को मैंने निकाल लिया, ठीक है। सेला चावल को मैंने छानी में डाल दिया ताकि तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, ठीक है। और बस बाकी मामा बनाएंगी साथ में, मैं इनकी हेल्प करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मामा कैसे बनाती, किस तरीके से बनाती हैं। और ये गुड़ है, वैसे दिल किया था मामा का बनाने को, तो कहती हूँ कि क्यों ना थोड़े से बना लेते हैं। तो बस आप इसमें, अम्मा ने इसमें ऑयल डाल दिया और आप इसमें डालेंगे मम्मा इलायची डाल देंगे, इलायची देखें। और साथ में सौंफ डाल दी मम्मी ने, वहाँ से नमक भी निकालना है अभी, और नमक निकालना, नमक बीच में मम्मा नमक भी डाल रही इसमें। अच्छा अब ये डालना है, स्ट्रेन करेंगी क्या। हाय देखो हम अब इसमें छान के डालिए गुड़ का जो शीरा टाइप जो हमने बनाया था, गुड़ को जो हमने मेल्ट कर लिया था। बस अम्मा का दिल किया था बनाने के लिए, अम्मा कहती क्यों ना मैं थोड़े से बना लूँ खाने के लिए, क्योंकि मीठा खाने को तो बंदे का दिल अभी भी कर सकता है मम्मा, है ना मम्मी। अभी थोड़ा सा है इधर ना गुड़। अच्छा अम्मा ने इसमें चावल डाल दिए हैं और आप अम्मा इसमें थोड़ा सा और जो शीरा था वो डाल रही हैं, नॉट शीरा गुड़, गुड़ का शीरा ही है। हाँ सही है, गुड़ का शीरा। अभी भी है ये, मैं इसलिए हिला रही हूँ ताकि वो जरा स्पंज में कुछ भाप ना हो गया। अच्छा नीचे तवा रखना है ना, अभी नहीं दम के टाइम। देखो ये तैयार हो चुके हमारे गुड़ वाले चावल। नहीं तोड़ती मम्मा, मम्मा थोड़ी देर पहले मुझे निकाल दें इसमें थोड़ा सा एक वाइट, बस कितने मज़ेदार बने, मज़ेदार। ये आप पीने लगे थी लेमन ग्रास, तो मैंने कहा क्यों ना लेमन ग्रास पी जाए। और बस ये है, ठीक है लेमन ग्रास, तो इसको मैं वॉश करूँगी। इतने ज़्यादा भी हमें नहीं चाहिए ज़रूरत है, इतने ज़्यादा नहीं थी, बस इसको मैं वॉश करूँगी और इसको मैं सीधा पानी में डाल दूँगी। ये देखूँगी इसको मैंने डाल दी इसमें, एक दो बार आ रही है बस ये बंद कर दूँगी मैं। ये देखो ये हर है, आपको हल्का नज़र आ रहा है येलो येलोश। और अब इसको मैं निकालूंगी।
और ये देखो ये हल्का सा लाइट सा बना है और हाजमे के लिए होता है, आप खाना खाने के बाद ना आप ले सकते हो, रात को भी छोड़ दो बस। और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये लेमन ग्रास लिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें स्मेल सी आती है नींबू की। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।